आरिफ वाला में सरकारी निरखों पर सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। मर्दों खवातीन घंटों कतार में खड़े होकर 10 किलो आटे के थैले के लिए ख्वार होने के बावजूद नाकाम घरों को लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं आटे के सेल्स पॉइंट से ज्यादातर सिफारशी अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। गरीब लोग परेशान हैं, एसी पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। जिसकी सिफारिश है चार चार थैलियाँ पाँच पाँच थैलियाँ लेके जा रहे हैं। जो बंदा मेरे जैसा जाता आगे उसको कहते पीछे चले जाएँ, हमारा टाइम नहीं है। भाई सुबह तो आए हैं 7 बजे तो लैके वही तिकर खड़ोते हैं, 11 बज चुके ने ते अभी तिकर आटा नहीं लभ्या। जेडे सिफारिश ले आते हैं उन्होंने आटा देते हैं, असी सुबह तो लगते शाम तक घर नहीं चली जाइए। अगो बच्चे रोटी किस टाइम किहड़े वेले असी रोजी कमावनी या किहड़े वेले असी बच्चों को खवानी है, बस यही परेशानी है। चंद किलो आटे के लिए दुहाइयां देते शहरी दिन भर दर बदर फिरते हैं, फिर भी सस्ता आटा मिलता नहीं और महंगा खरीदने की सकत नहीं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि जरूरत के मुताबिक सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। राना नफीस अली, आज न्यूज़, आरिफ वाला।